गुराना इलाके में चोरी ते लुटखो दियां वारदातां हुण आम गल हुंदी जा रही है। चोर एक बार फिर वड्डी वारदात नूं अंजाम दिंदे होए थाणा गुराया दीन पैंदे पिंड विरकां विखे स्थित कैनरा बैंक के ए टी एम के शटर ते ए टी एम मशीन नूं गैस कटर नाल कट के लखां रुपए का कैश लैके रफू चक्कर हो गया। इस संबंधी मौके पर पुजे ए एस पी फलौर सुहेल कासम मीर ने जानकारी देंदे हुए दस्या कि बीती रात 2:30 बजे के करीब चोरों वालों इस वारदात को अंजाम दिता गया है। उन्होंने कहा कि जानकारी मुताबक ए टी एम मशीन में 2 लाख रुपए तो वाधा कैश सी। उन्होंने अगे कहा कि पुलिस वालों मामला दर्ज करके इस चोरी को हल करने सीसीटीवी कैमरिया भी खंगालिया जा रहा है। चोरी की वारदात मौके बैंक का हूटर ना वजन के पूछे गए सवाल से उन्होंने कहा कि बैंक की बहुत ही वड्डी लापरवाही है। ये बेसिकली रात के 2:30 बजे का इंसिडेंट हुआ है यहाँ विरका पिंड में कैनरा बैंक, वहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ जहाँ पे कुछ चोरों लुटेरों ने बैंक का एटीएम काट के ले गए। बट हम अब इसमें तफ्तीश करने लगे हैं और इसमें पर्चा दर्ज कर रहे हैं। अभी जो प्राइमर फेस है और प्रिलिमिनरी बेसिस पे हमारे पास सीसीटीवी फुटेज है और हमारे पास कुछ लीड्स है उस पर, उस लाइन में हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, तो होपफुली ये जो कल्प्रिट्स हैं इनको जल्दी हम काबू कर लेंगे। सर कितना कैश था? देखा जाता है कि बैंक में जो एटीएम लगा होता है हूटर जरूरी होता है, पर यहाँ कोई हूटर वगैरह दिखाई नहीं दिया। बिल्कुल, ये मैंने भी पॉइंट रेज किया है बैंक एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, ये इनकी लापरवाही है। ना यहाँ पे कोई सायरन वाला सिस्टम है, ना इनके पास कोई हिडन कैमराज लगे हैं, ना कोई गार्ड है, तो ये कुछ इश्यूज है जो इनके साथ हम रेज कर रहे हैं। ये बेसिकली है नेग्लिजेंस। सर कैश कितना कैश था? सर कैश उसको हम अभी वर्कआउट कर रहे हैं। कल शाम में इन्होंने रीफिल किया हुआ था बैंक एटीएम को, तो उसको हम देख रहे हैं अभी, वो फाइनल फिगर हमारे पास नहीं आया। कितना रीफिल किया था वो तो बताया होगा सर अमाउंट? वो मैम वो पता करके अराउंड दे आर सेइंग के 2 लाख प्लस का अमाउंट था जो हमने रीफिल किया हुआ था इसको शाम में। तो कितना एग्जैक्टली वो ले गए वो हमें अभी एसेस करना बाकी है। सर अगर देखा जाए गुराया एरिया में लूट की वारदातें और चोरी की वारदातें काफ़ी बढ़ोतरी हो रही है, तो इसमें गैंग जिन्होंने वो वारदात अंजाम दी हुई है। बट ये है कि मतलब पुलिस के पास कुछ लीड्स है, क्लूज है, तो हम उस पर वर्कआउट कर रहे हैं। होपफुली ये जल्दी हम इनको काबू कर लेंगे। सर कहीं ना कहीं लग रहा पुलिस के भी ढीली कार गुजारी है इसमें साबितदारी। अगर पहले बचाव हो गया गुराया में ही, अगर सब डिवीजन की बात की जाए फ्लोर में, उसी में दूसरी वारदात हो रही है, उसमें हम कर रहे हैं। वो जस्ट रिसेंट इंसिडेंट है तो उसमें भी हम कर रहे हैं। होपफुली इनको कलेक्टिवली हम अप्रहेंड कर लेंगे। सर जैसे आपने बताया कि बैंक की भी लापरवाही आई है, तो फिर उन बैंक अधिकारियों में भी कार्रवाई होगी? वो हम देखते हैं, मतलब ऑलवेज गाइडलाइंस होती है सेंट्रल बैंक की तरफ से कि कैसे सिक्योर करना है एटीएम्स को, कैसे हम बार बार मीटिंग भी लेते रहते हैं। बट एक थोड़ा सा है मतलब उसको हम फिर से रेज करते हैं इनके साथ ताकि आगे इस तरीके की घटना ना वापरे। नाम आशीष शर्मा। सर आपकी क्या पोस्ट है इस बैंक में? ब्रांच मैनेजर। सर क्या वारदात हुई आज यहाँ? आज सर सुबह ही पता लगा है कि एटीएम काट के उसमें से कैश निकाल के ले गए हैं वो। कितना कैश था सर उसमें? वो भी चेक कर रहे हैं। आपने कितना कैश डाला था, कितने बजे डाला? एक बार पूरा चेक कर लें। नहीं डाला था कल कैश आपने? अराउंड 2 लाख के अराउंड था, अभी चेक कर लें। आपको कैसे पता चला इस वारदात का? सुबह सर जब एटीएम का चेक किया तो कॉल आई मुझे, तब पता लगा मुझे। कितनी देर से आप यहाँ पे हो सर? मैनेजर आप पोस्ट पे कितने टाइम से यहाँ पे? आप 2 मंथ्स सर। सर एटीएम मशीन जहाँ पे लगी हुई है उस कमरे में कोई हूटर वगैरह भी लगा हुआ था जो सायरन जरूरी हो? सर वो सारी चीज़ें चेक कर रहे हैं, सीसीटीवी था उन्होंने वो सारा, तो आपने देख ही लिया होगा। हाँ वो तो, हाँ तो अभी चेक कर रहे हैं क्या इशू था, कैसे हुआ है। उसका डीवीआर कहाँ पड़ा होता है सर? डीवीआर वो सारी चीज़ें तो है अपनी, तो अभी चेक कर रहे हैं सारी सीसीटीवी वगैरह चेक करेंगे तो उसमें देखते हैं। ठीक। सिक्योरिटी गार्ड वगैरह नहीं होता सर? नहीं। बंद कर देते हो आप एटीएम? कितने बजे बंद होता है सर? फॉर द टाइमिंग बताते हैं अभी, सारा चेक चेक कर लेने दीजिए, हमें इतनी फॉर्मेलिटी पूरी कर लेनी है। आपको सही टाइम में पता कितने बजे बंद होता है ये एटीएम? 24 घंटे ओपन होता है ये मशीन या बंद होती है? रात कितने बजे बंद होती है सर? ऐसा कोई फिक्स टाइमिंग नहीं थी, 8-9 बंद हो जाता है। तो ये कौन बंद करता है सर?
सर अभी हमें पूरा चेक करने दीजिए। नहीं सर ये आज थोड़ी बंद करता हूँ, डेली बंद होती होगी। डेली बंद होता है सर, पूरी हमें चेक करने दीजिए। हमें तीसरा बंदा तो करता नहीं होगा, ये बैंक एम्प्लॉय बंद करता है या गांव का बंदा कोई रखा होगा आपने? बैंक एम्प्लॉय बंद करेगा, वो अभी चेक करने दीजिए, बाकी हम देखते हैं।